अभी की बार में झूठ बोल दूं, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी मैं। और एक बात और याद रखना, तो एक बार कोई गलती हो जाए और ये सोचे कि मैं गलती छुपा लूं पर कभी गलती नहीं करूंगा, तो ये भी बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने गलती छुपा ली। एक भूल को छुपाने के लिए 100 भूल करनी पड़ती है, और एक अगर वो होता है कि सब भूल प्रकट हो जाती है। इसलिए पहली कोई गलती हो जाए तो घर वालों से कह दो क्षमा कर देंगे, गाम वालों से कह दो गाम वाले क्षमा कर देंगे। बोले प्रथम फूल सम भूल है, पहली भूल कैसी है? भूल की तरह। कहते कि नहीं अभी तो फूल गुजरो, कोई बात नहीं फूल गुजरो। प्रथम फूल सम भूल है, और दूजी भूल है सूल, और तीजी भूल त्रसूल है, जो दुख की है मूल। भूल पर भूल करोगे, भूल बहुत दुख देती है, और थोड़े सुख के कारण वो जीवन का सुख हर लेती है। इसीलिए कभी भूल नहीं करनी चाहिए। देखो बहुत लोग भूल करते हैं, भूल को छुपाते हैं। एक छोटा छोटा सा दृष्टांत है। पिताजी बोले बेटा अपनी माँ से बोल देना कि हम कल बाहर जा रहे हैं, जल्दी से भोजन बना दे। कह दिया तो उसने जल्दी भोजन बना दिए। बाप बेटा खा पी के निकल गए, रेलवे स्टेशन पर आए, गाड़ी लेट थी, 10-20 रुपए का वो खा लिया। इतने में रेलगाड़ी आ गई। अब जैसे रेलगाड़ी आई, बैठ गए बाप बेटा, उसमें गाड़ी चल पड़ी, स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, वहाँ 100 पकड़ी बिक रही है। पापा 100 पकड़ी दिलवा दो। हाँ बेटा ले, 100 पकड़ी दिलवा दिए। पर गाड़ी चल पड़ी, दूसरा स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, पापा ये मिठाई दिलवा दो, मिठाई दिलवा दिए। पर गाड़ी चली, तीसरा स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, पापा ये बड़े बिक रहे, हमको 2 रुपए के बड़े दिलवा दो, बड़े दिलवा दिए। फिर गाड़ी चली, चौथा स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, पापा ये समोसा दिलवा दो 2 रुपए के। एकदम पापा बोले तू बालक है कौन है, घर खा के चला, स्टेशन पर खा लिया, 4 बार गाड़ी में खा लिया, अब तेरे को नहीं दिलवाऊंगा। पिताजी गर्म रहे, बेटा बोला पापा जी दिलवा दो, जैसे कहा के अभी कहता हूं। और पिताजी का हाथ जेब में गया और जेब में से 2 रुपए का नोट निकाले के चेक दे, जो खाना है वो खा, समोसा खाने में समोसा खा, बड़े खा, लेकिन कहना मत। बेटा ने बाप की ऐसी नस पकड़ी, जब जरूरत पड़ती है काई शब्द का प्रयोग करता है, तुरंत निकाल करके दे देते। अब डिब्बे में और भी तो बैठे रहते हैं वो, अरे हैरान कि ये अपने बेटे पर इतना गर्व होता है, लगता है कि गाड़ी रुके तो उतार नहीं दे। और एक बात के कहता है कहता हूँ, और पिता दब जाते हैं, जो मांगता है वो दिलवा देते। इस कहता हूँ वाक्य में रहस्य क्या है? पास में आके बोले गलती हो तो क्षमा करना। कहिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने पुत्र पर इतना गर्व होते हैं और एक बात के ये कहता है कहता हूँ और आप दब जाते हैं, इस कहता हूँ वाक्य में रहस्य क्या है बताओगे? बोले अभी बताता हूँ, बुरी बात क्या है इसमें बताइए। पहले तो ये बताइए हमारा बेटा तुमको कितनी वर्ष का दिखाई दे रहा है? देख करके बोले ऐसा हुआ कोई 7-8 वर्ष का। बोले ये नाता है, लगी राय 7-8 वर्ष का, इसकी उम्र तो 16 वर्ष की है। बोले पर हमें का ले लो दे लो, 16 वर्ष की हो चाहे 8 वर्ष की हो चाहे 10 वर्ष की हो, बुकले आपको तो देना देना नहीं है, मुझे तो काम है क्या कि मैं इसको आधी टिकट में ले जा रहा हूँ, मैं इसको आधी टिकट में ले जा रहा हूँ। और इसको पता है, अच्छी तरह से पता है, बढ़िया तरह से पता है कि मैं 16 वर्ष का हूं, पूरी टिकट में जाने वाला हूं। तो ये बार बार धमकी देता है, पापा
या तो दिलवा दो जो मैं कह रहा हूँ वो, और नहीं दिलवाओगे तो अभी टीटी आएगा, कह दूंगा कि पूरी टिकट में जाने वाला हूँ, 16 वर्ष का हूँ और मुझे आधी टिकट में ही मेरा सफर कराते हैं। मुझे क्या मालूम थी कि ये रास्ता में इतना परेशान करेगा, टिकट से ज्यादा पैसा का तो ये खा गया। दवा उठा देगा, क्या कहेगा मालूम है? सुन, मुझे पता है, या तो मैं जो कहूं भूकर, और नहीं तो मैं कहता हूं या मेरे को पैसा दे, तो ठीक है, अगर पैसा नहीं देगा तो मैं कहता हूं तो कब तक सामने वाले की दाव में रह करके उसके कहनानुसार तुम चलोगे, और कब तक पैसा दे दे करके बात को दब करके रखाओगे? अरे एक दिन कहने वाला तो कहेगा। इसलिए कोई बारी आपसे कैसे झूठ बोलूंगी, कछुन परीक्षा दीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने कोई परीक्षा नहीं की आपकी तरफ प्रणाम की, लेकिन अंतर इतना ही है, आपने दूर से प्रणाम की और मैंने निकट जाके प्रणाम किया। तब शंकर देखो उधर ध्याना, सब जानेंगे क्या हुआ, इन्होंने सती रूप धारण किया, सीता रूप धारण किया इन्होंने। हे प्रभु, ये तो मेरी माँ की तरह हो गई, अब मैं क्या करूं? ने निर्णय ले लिए थे आज से मैं सती को पत्नी के रूप में नहीं माँ के रूप में देखूंगा। आकाशवाणी भी धन्य है शंकर तुम्हारी भक्ति को, सती बोली क्या प्रण खाना है, अनेक इतिहास प्रणाम कथा कहते हुए कैलाश पर पहुंचे और 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा दी। जब समाधि खुली, सामने आसन दिया, सती का शरीर सूख गया। हे प्रभु, या तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें या मेरा शरीर नष्ट हो जाए। तो यही कथा आ गई जो हम आपको सुना रहे हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी पिटाई हुई है। इतने में नारद जी आ गए, पिटाई नहीं हुई है, तुम्हारी सती जल के राख हो गई। ये सुनते ही शंकर जी ने जटा उखाड़ी, जमीन पर पट की गढ़ पैदा हुआ जिसका नाम वीरभद्र है। कम किम करो मीत गणं तमाहा बद्धां जलिं भरवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, आज्ञा करो, क्या इस सेवक के लिए आज्ञा है? बोले जाओ, दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करने के लिए गण लेके चला आया। आंधी के रूप में थोड़ी देर में बंदी तोड़ गई, तनाव भाग गई, चांदनी फाड़ दी, उठा के दांत तोड़ दिए, प्रभु की गाड़ी नोचली और देवताओं की पिटाई की और दक्ष का सिर तोड़ करके और अग्नि कुंड में स्वाहा। क्षण भर में यज्ञ विध्वंस, देवता पेट पटा करके ब्रह्मा के पास आए। जाए मनाओ जो कुछ हुआ सो ठीक है, किंतु भई सो भई सम्मुख जाए मनाओ, चरण में सब परो यज्ञ पूरो करवाओ। आज ब्रह्मा जी सभी को लेकर के आज कैलाश पर आते हैं। सज्जनों, इस कैलाश शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दे। कैलाश वैसे शुद्ध नाम तो कैलाश है, छोटी एक ही मात्रा, और कैलाश को ही कैलाश कह देते हैं, एकदम दो मात्रा लगा के। इस पर्वत को कैलाश क्यों कहते हैं? ये जल में नाचता है, इसलिए इसको जो है कैलाश कहते हैं। आप ये कह सकते हैं जल में कैसे नाचता है? कि जो मानसरोवर है, इस पर्वत की परछाई सरोवर में पड़ती है, तो सरोवर हवा हवा से सरोवर का जल हिलता है, जब हिलता है ना तो इसमें उसकी परछाई रहती है पर्वत की, तो वो ऐसे हिलता है, नाचता सा दिखाई देता है जल में, इसलिए इसका नाम रख दिया कैलाश। आप सब Oh,
के लिए सब खड़े हो जाए और इधर उधर हो सब पंडाल में आ जाए। आज तो समय नहीं थे आरती हो रही है और कल एक बजे भयन्नः पशुकेयथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राम जी महाराज की जय। रेवती मैया की जय। रावण रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंग बली महाराज की जय। सभी संत भक्तों की जय। वस्ती माता की जय। गौ गायत्री माता की जय। पृथ्वी माता की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री हर 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 महादेव। श्री द्वारकानाथ की सब आरती करो। ऐसे भाग जाओ, ऐसे परिक्रमा करके जाना चाहिए और प्रसाद आरती लेके जाना चाहिए। धीरे धीरे एक संग ना है, धीरे धीरे। हाँ, इधर प्रसाद बाहर बैठ रहा है, धीरे धीरे प्रसाद लेते हुए जाए। आज तीन दिन की कथा पूर्ण हुई। गुरुर्देव महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती च सर्वान् तीर्थान् वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग ृत्युम वैपायनो विरह का तरा जुहारो।